मेरा यूट्रस का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, थायराइड था, सर्वाइकल था, चश्मा इतना बड़ा नंबर लग गया था, मैंने गोमूत्र पी कर था कि ऐसी दया हुई, ऐसा करिश्मा हुआ था, 2 महीने के अंदर ही मेरा चश्मा उतर गया था। जमीन तो रही नहीं, और किसान करे तो करे क्या, कहाँ वो क्या खाएगा और कहाँ जाएगा, की तो बहुत दूर की बात है, पानी का भी छिट्टा नहीं लगाया दूध में, इन्हीं ने मेरे को दूसरा जन्म दिया है, तो मैं इस गौ माता का तो 15 पशु गुजर गए थे, लेकिन ये कटड़ी हमारी दोनों बच गई थी उस टाइम। ये गोपाल है, ये भी अपनी गाय का मैं बुल तैयार कर रही हूँ, जो भी मेला उसी में इनाम लेके आता हर बार। गाय है दोनों पहाड़ों में, आधी इस तरफ आधी उस तरफ, गौ माता रहती है, अधूरा है डेयरी फार्म नंदी के बिना। अंदर सारी मिल्किंग की गाय है अपनी, उधर भी इधर भी, ये सब अपना अपने खेत का ही है, ऑर्गेनिक ही मानो, तो अच्छी गाय होंगी तो उनसे हम बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि गाय दूध नहीं देती, सांड दूध देता है, मैं पहले ही बोलती हूँ। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। घर में पंचगव्य इस्तेमाल होता है, वहाँ कितनी सुख शांति और समृद्धि रहती है, अरे उस घर का माहौल ही अलग मिलेगा, उस घर के बच्चों के संस्कार ही अलग मिलेंगे, लड़ाई झगड़े का तो देखो कोई काम ही नहीं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है, और आज मैं पहुंच चुका हूं हरियाणा के झज्जर जिले के खरमाड़ गांव में, और यहां पर आप देख रहे हैं देसी गायों का जो है गौशाला है, और यहां पर लगभग 150 जो है देसी गोवंश है, और कुछ जो है नंदी भी है, और इस पूरे गौशाला का संचालन जो है एक महिला के द्वारा किया जा रहा है। कैसे जो है इनका संचालन करती है और किस तरह गायों का रख रखाव करती है, और पूरे इतने बड़े जो है गौशाला का किस तरह मैनेजमेंट करती है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम महिला पशुपालक से बातचीत कर। जय गो माता, जय गोपाल। मेरा नाम रेणु सांगवान है, गांव खरमान है, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़ है, ये अपना गोकुल फार्म है। जी हाँ जी। तो कितने दिनों से इस गौशाला का संचालन कर रही हैं? सात आठ साल हो गए जी हमारे को। 7-8 साल हो गया जी। तो एक महिला को गौशाला चलाना काफी जो है कठिन काम है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं मैम? देखिए भाई, मैं शुरू से ही जैसे एक जो मेरे पिताजी भी किसान थे जी, और मेरे हस्बैंड भी किसान थे, किसान की बेटी थी, किसान के घर में आदि, और पशु पक्षी हर चीज से मेरे को लगाव था। और एक आप यूं बताओ कि किसान रोजगार उसके पास और क्या होता है, जमीन इतनी रही नहीं, तो धीरे धीरे जैसे हम 2-3 गैया घर में रखते थे, एक आधी भैंस भी रखते थे, उसके बाद धीरे धीरे बस माइंड में ही आया कि हमें कुछ करना चाहिए आगे चलने के लिए, भाई कुछ ना कुछ रोजगार तो होना चाहिए, सरकारी जॉब है नहीं, जमीन है नहीं इतनी, ताकि अपना अच्छे से, पहले जमीन जो जमींदार होते थे, किसान भाई होते थे, उनके पास 20-20 किला 40-40 किला जमीन होती थी, आज का किसान तो बीघे पे आ गया है, अब जमीन तो रही नहीं, और किसान करे तो करे क्या, कहाँ वो क्या खाएगा और कहाँ जाएगा, किसान जवान और जो मजदूर एक ही हालत इनकी जी, अगर कोई समझे तो गहराई से इन सब की एक ही हालत है जी। तो धीरे धीरे करके माइंड में बस यही आया कि अपना क्यों ना गौशाला खोली जाए, और उसका अपना दूध दही से पहले भी काम चलाते थे छोटे, उसमें अब ज्यादा गाय और गाय भैंस या कुछ भी अपनी गौ माता बांध करके उनको आगे काम को बढ़ाया जाए, और ऐसे मतलब हमने दिल्ली अपना दूध की सप्लाई दिल्ली यहाँ से 35-40 किलोमीटर हमारे से जी। तो हमने सोचा कि दिल्ली में रेट भी ठीक मिलेगा और बढ़िया चीज देंगे। आज तक भाई मैं कभी गौ माता कसम खा कहती हूँ, जिंदगी में 50 के करीब मेरी उम्र है, आज तक हमने मिलावट की तो बहुत दूर की बात है जी। पानी का भी छिट्टा नहीं लगाया दूध में या घी में, कोई भी आके कभी भी कुछ भी मतलब किसी तरह भी आके देख सकता, खाओ पियो विजिट करो देखो, ये मेरा सबसे बड़ा यही है जी। मैं एकदम से साफ और पवित्र स्थान है गौ माता का, और उसी तरह हम एक अच्छी चीज अपने कस्टमरों को देकर की, क्योंकि देखो काम धीरे पड़ा है, धीरे चला स्लो स्लो करके, लेकिन आज परमात्मा की दया से, ईश्वर की गौ माता की कृपा से सब काम बहुत अच्छा चला, काफी सारे कष्ट आए एक औरत होते हुए भी मेरे जिंदगी में, और गौ माता के साथ भी आए, इन्हीं का दिया हुआ मेरा अपना जीवन है, इन्हीं ने मेरे को दूसरा जन्म दिया है, तो मैं इस गौ माता का तो लाख लाख शुक्र करती हूँ, और हर किसान से यही चाहती हूँ कि अपनी थोड़ी से अच्छी चीज और अच्छी पहचान, अपनी खुद का ब्रांड बना करके, हमने गोकुल फार्म के नाम से दिल्ली द्वारका सेक्टर 7 में अपना ऑफिस है, इसी नाम से अपना दूध और घी पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया में घी की तो सप्लाई चारों तरफ है जी, और दूध की हमारी दिल्ली में है, इसी बस इसी कारण ही एक अच्छी पहचान, अच्छा जीवन और अच्छे संस्कार, ताकि लोगों को पता चले कि आज के टाइम में भी अच्छे लोग भी बहुत हैं जी, इतने बढ़िया, देखो सब कुछ प्रकृति का दिया हुआ है, परमात्मा देता है, हम कौन है जी, हम कोई नहीं है, 2 दिन का जीवन है क्या पता, 4 दिन का, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे, देखो अर्थ के बिना तो कुछ चलता नहीं, अर्थ होगा तभी गौ माता क्या कुछ नहीं खाती, कितनी महंगाई है, उसका खाने पीने का खर्च उठा के देखो आप, दो
एक दो गौ माता अपने घर में बांध के देखो, उसको उसका करके देखो क्या से क्या खर्चा आता है और कैसे मतलब काम के लिया जाता है। इतने बड़े लेवल पे तो बहुत ही मुश्किल, एक औरत के लिए तो बहुत ही मुश्किल। बेटे हैं, बेटे बाहर अंदर का संभालते हैं, मैं अंदर की व्यवस्था संभालती हूँ, मिल्किंग का, दूध का, घी का, और ये जो सारी व्यवस्था है मैं अपने आप ही देखती हूँ। दूध होता आप खुद निकाल लेती हैं? हाँ जी, दूध बहुत अच्छी तरह निकालती हूँ, अभी आपको मिल्किंग करके दिखाऊंगी। दूध मेरे को बहुत अच्छी तरह निकालना आता है। तो इस सीड के बारे में बता दीजिए मैम। ये तो जी मतलब अपने जो बिना दूध के हैं। जी जी, बिना दूध वाली इधर हैं जी, और कुछ ये अपने इधर सांड है जी, और मिल्किंग वाली दूध वाली अंदर है जी। हाँ जी, इसमें नंदी है? हाँ जी, नंदी महाराज भी हैं इसमें जी, और ये बिना दूध की हैं। जैसे एक तो बूढ़ी गौ माता है, सेवा के लिए रख रखी है जी जी, अब ये बूढ़ी हो गई, तो जैसे परमात्मा जब तक है ठीक है, जब वो हो जाएगी अपना खा पी के घूम फिर के, तो गौ माता जिसका इसका जीवन देखो कितना है। ये गिर सांड है अपना, भैंस भी रखी है? हाँ जी, भैंस ये मतलब हमारे पास शुरू से भैंस भी थी जी, दो तीन भैंसे थी। बस परमात्मा का एक बार ऐसा हुआ कि हमारा ये लेंटर एक बार गिर गया था, तो उसके नीचे ये जुगाड़ती हुई बैठी हुई मिली थी। 15 पशु गुजर गए थे, लेकिन ये कटड़ी हमारी दोनों बच गई थी उस टाइम पे। देखो इनके भाग्य में जीवन था, इनका लंबा ईश्वर ने दे रखा था। ये बिल्कुल से जुगाड़ती हुई मिली थी, ये 2.5 महीने की थी, ये 6-7 महीने की थी, बच गई। हाँ जी, ये बच गई थी। तो उसी बस ये लगाव था शुरू से हमारे पास, भैंस थी तो बेचने का दिल नहीं गया कि ये अपनी है, कोई बात नहीं हो जाएंगी ऐसी। ये अपना साहिवाल बुल है जी, ये थार पार्कर है जी, ये थार पार्कर है, शंकर नाम है इसका जी। उसका गुच्ची है, देखो बिल्कुल एकदम से शांत स्वभाव के, कभी कुछ कोई दिक्कत नहीं। इनको किसी तरह खोलो, किसी तरह बांध दो, मैं भी खोल लूं तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छे शांत स्वभाव के, शुरू से इनका माइंड शांत है। और ये अरमानी है, ये गोपाल है, ये भी अपनी गाय का मैं बुल तैयार कर रही हूँ, ये 15 महीने का हुआ है जी। और ये सांडू है, इसकी भी 3.5 के करीब उम्र हो गई है, ये हमेशा चैंपियन बना रहता बनता है, जो भी मेला हो उसी में इनाम लेके आता हर बार, उच्ची भी लेके आता। और ये भी जो हरियाणा में कंप मेला में कंप, हाँ जी हरियाणा में अभी दादरी हुआ था, उससे पहले भिवानी में हुआ था तब भी, और झज्जर हुआ था तब भी जी। हाँ जी, और ये तो जी पहले हमारा घोड़ा फार्म होता था, फिर शौक के लिए हमने ये घोड़ी और ये इसका बच्चा सोमराज, उसका नाम नूरी है, ये सोमराज है, ये रख रखे हैं। गाय के साथ साथ आपको जानवरों से ताई जी बहुत लगाव? हाँ जी, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। अगर कोई मेरे गौ माता को मतलब मारे छेड़े ना, तो मेरी आत्मा इतनी दुखती है, मैं इन भाई लोगों को बोलती हूँ सेवको, अरे भाई कुछ भी कर लो, पर लेकिन मेरे गौ माता को और बच्चों को मारो मत। जी जी जी, बड़ा दिल दुखता है। देखो हम ये गौ माता है, ये कोई मुंह से थोड़ी ना बोलती है। जी जी सही बात, जितना स्नेह इनके साथ हम करते हैं ना, उससे मतलब इनकी तुलना ही नहीं कर सकते, इतना मोह और प्रेम है। और ये जो बाड़ा बना हुआ है अलग अलग सेक्शन में, ये अलग अलग सेक्शन, जैसे अब मिल्किंग हो जाएगी जी, आपको दिखाती हूँ, आ जाओ। और इस बाड़े में शाम में आती है या सुबह में रहती है? शाम को, अब शाम को ना 6 बजे सब इन्हीं में हो जाएंगी जी जी। अब मिल्किंग के बाद सारी इसमें दूध वाले के बच्चे रहते हैं जी, छोटे काफ जो है, छोटे बच्चे। इधर इधर दोनों मतलब गायें हैं, दोनों बाड़ों में आधी इस तरफ आधी उस तरफ गौ माता रहती है जी। उन्हीं में रोज एक सांड सुबह छोड़ देते, एक सांड शाम को छोड़ देते, कोई हिट पे हो तो पता चल जाता है, जो क्रॉसिंग की हो उसी नस्ल का फिर बुल छोड़ देते हैं। तो आप गाय के साथ साथ नंदी भी रखी हुई है? हाँ जी हाँ जी, तो नंदी, हाँ जी नंदी तो महाराज है, बहुत ज्यादा निकलता होगा। नंदी के बिना तो कुछ भी नहीं है जी, अगर डेयरी फार्म चलाना है या अपनी कुछ भी गौ माता रखनी है तो नंदी तो रखना ही पड़ेगा जी, जी। नंदी के बिना तो कुछ भी नहीं है जी, अधूरा है डेयरी फार्म नंदी के बिना जी। इस गायों के बारे में बता दीजिए, इस साइड किस तरह की गाय है? ये सारी मिल्किंग की है भाई, अंदर सारी मिल्किंग की गाय है अपनी, उधर भी इधर भी सबका दूध निकलना है अभी। कितनी गाय होगी ताई जी पूरा? ये अपने पास 50 के करीब है जी दूध वाली। जी जी हाँ जी। और सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है ताई जी? सबसे अधिक दूध देने वाली देखो इधर, ये अपनी दूध तो सारी का ही है जी जी। ये जिस तरह बाकड़ी सी होगी, 3-4 महीने के करीब होगी ब्याई हुई जी जी। हाँ दूध सभी का अच्छा है। दूध कितना हो जाता है ताई जी पूरा? ये अपना मैक्सिमम दूध का तो जी यूं लगाइए आप 350-400 लीटर के करीब हमारा वो है दूध का है, 250-300 लीटर अपना। और कुछ जो किसान भाई है हमारे से जुड़े हुए है गांव में, इस गांव में पहले कोई गाय का दूध खरीदता नहीं था ना, कोई गाय रखता था जी। हमारे गौपालन के
बात इस गांव में अब ज्यादा तो मैं कहती नहीं, आप गांव में घूम के देख सकते हो, हर दसवें घर में दो तीन गौ माता मिलेंगी जी जी। और मतलब हर छोटा किसान को देखो, भैंस का और गाय माता के में बहुत फर्क है जी जी। भैंस तो गरीब आदमी डेढ़ डेढ़ लाख की दो दो लाख की कहां से बांधेगा जी। और एक भैंस का पालन और तीन गौ माता का पालन तो बराबर होता है जी, जी। अब पहले गोए दूध नहीं लेता था, अब हमारे जैसे जो किसान भाई हैं उससे हम जुड़े, हमारे से जुड़े हुए हैं, हम उनका दूध खरीदते हैं भैंस के रेट में जी। तो वो दूध हमारे दे के जाते हैं जी। तो गाय पूरे दिन यहीं पर आती है या गोचर में चरने भी जाती है? नहीं जी, हमारी गाय गोचर के लिए सुबह 7:30 से 8:45 बजे चली जाती है और शाम को 4 बजे के करीब आती है जी। तो गोचर भूमि में चरने से क्या बेनिफिट होता है? गोचर भूमि में चरने से देखो जो इनके साइड इफेक्ट है वो दूर होते हैं जी जी। और गौ माता अपने हिसाब से खुश रहती है, चरती है, घूमती है। देखो जिस तरह बंदा अपन एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा जी जी, वो स्वस्थ रहेगा जी। तो जहाँ तक है अपनी गौ माता को दवाई दप्पे की जरूरत नहीं पड़ती जी, अपना गोचर में चरती आराम से, और वहीं का खाना पीना पीना पानी इनका जी, बारिश का पानी भी खूब, तालाब है वहाँ, पानी पीती है, चरती भी है जी, बहुत अच्छा इनका है। वहाँ तक चरने जाती है गौचर भूमि में तो वो जड़ी बूटी भी जंगल से चर करके आती है? जड़ी बूटी जो अपने हिसाब से इसको वहाँ मिलती है जी जी। हमारे गांव में मतलब 1500 एकड़ में गौचर भूमि है जी, जहाँ वो जो ये खाती अपने हिसाब से खाती है जी। और यहाँ आने के बाद जिस तरह आप देखो अभी ना इनको भूसा देते हैं, फीड देते हैं, हरा चारा देते हैं, ये सब अपना अपने खेत का ही है, ऑर्गेनिक ही मानो, क्योंकि यूरिया डीएपी वगैरह हमारी जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास गोबर ही इतना होता है कि उसको कहाँ डाल लें जी। तो दूध के साथ साथ और कोई प्रोडक्ट बनाती है ताई जी? दूध के साथ साथ जी हमारी दूध, दही, लस्सी, घी, मक्खन सब जाता है जी जी, सब डिलीवरी होता है। तो घी क्या रेट का चला जाता है ताई जी आपका? घी अपना 3000 रुपए के जी है जी, और मक्खन 2000 रुपए जी, दूध 120 रुपए लीटर है, छाछ 50 रुपए लीटर। तो बहुत सारे लोग जो है देसी गाय पालना बंद कर दी, लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती है, कैसे हम देसी गाय पाल करके भी जो है हम बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए जी, देसी गायें रखे, अच्छी ब्रीड की गायें हो जी, अच्छे सांड हो जी। असल दरअसल क्या बात है, पहले मैं वीडियो में बता सकी हूँ कि अच्छे सांड होंगे, अच्छी गायें होंगी तो उनसे हम बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि गाय दूध नहीं देती, सांड दूध देता है, मैं पहले बोलती हूँ, क्योंकि बेनिफिट वही मिलेगा जब हमारे पास अच्छी ब्रीड का सांड होगा, तो वो गौ माता अच्छा उसकी माँ के नीचे जिस तरह मान लिया 20-22 लीटर का दूध का रिकॉर्ड है जी, तो उसकी बछड़ी बछड़े बच्चे जब पैदा होंगे तो उनका दूध बढ़िया मिलेगा हमें जी। उनका दूध 18-17 लीटर 14 लीटर तो कहीं नहीं गया जी। और जैसा जैसा डालते वैसा गौ माता देती, देखो गौ माता है, ठंडा गर्म तो भाई थोड़ा बहुत तो, दुख सुख तो सबके साथ है जी, जी, जी। थोड़ा बहुत तो होता ही है, ये तो है नहीं कि बीमार के भर के मोटी कमाई है लाखों करोड़ों की जी, जी। लेकिन परमात्मा की दया से गौ माता की कृपा से दाल रोटी का ठीक से निकल जाता जी। है जी। और काफी हमें खुशी हो रही है ताई जी कि आप एक महिला होकर के और इस उम्र में होकर के पूरे गौशाला का संचालन कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। काफी आप पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो महिलाओं के लिए कुछ क्या संदेश देना चाहेंगी? महिला देखो भाई, एक दूसरे से देख करके हमारे जैसे सीख करके अपने काम को आगे बढ़ा सकती है, महिला किसी से कम थोड़ी ना, हमें क्या करना है, मेहनत ही तो करनी है, पहले भी मेहनत करते अब भी करते हैं जी। तो एक महिला क्या नहीं करती, पहले कितनी महिला कितनी मेहनती होती थी, आजकल की महिला पहले जैसी सब तो एक जैसी है नहीं, लेकिन हमारी सोच बदल गई है। वो यूं कहते हैं ना जी, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। वो माइंड में सोच बदल गई किसान भाइयों की और मजदूर भाइयों की बदल गई, अपनी बहन बेटियों की बदल गई, कहाँ से संस्कार पढ़ने बंद हो गए। अच्छी देसी गाय का क्या मतलब था जी, देसी गाय का खाओगे अरे देसी देसी खा जी, देसी खाना। अब ये मैं जो देसी पहनावा अपना, ये हरियाणा पहनावा मेरा अपना, मेरे को बहुत पसंद है। और इसी तरह देसी, जिस तरह हम देसी गाय का दूध पिएंगे, घी खाएंगे, आप यूं देखना कि जहां तक गौ माता का जिस घर में पंचगव्य इस्तेमाल होता है वहां कितनी सुख शांति और समृद्धि रहती है जी। और उस घर का माहौल ही अलग मिलेगा, उस घर के बच्चों के संस्कार ही अलग मिलेंगे, लड़ाई झगड़े का तो देखो कोई काम ही नहीं होगा। संस्कार कहां से बदले होंगे, खान पीने की वजह से, खाना पीना अच्छा नहीं रहा, सब फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं, यहाँ से हमारी सब कुछ संस्कृति संस्कार बदली होगी जी। माँ दूध अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती थी, दूध पिलाती थी 9 महीने तक, आज कल की माँ अपना दूध पिलाने छोड़ गई गौ माता का, तो कहाँ से मिलेगा, पैकेज का दूध पिलाती है, बोतल का बाहर से कहीं से भी खरीद लिया, डब्बे का पाउडर का वही पिलाती है। अब यूँ देखो हमारे मतलब ज्यादातर दूध कितना ही डिमांड है, इतना दूर लोग के पास आएगा कहाँ से जी, तो जी। अब गांव के हालात ऐसे हो गए हैं कि मतलब दूध की गाड़ियां थैली की गाड़ियां उतरती हैं, जितने मतलब हमारे पास है इतने गांव में हर मतलब 20-21 घरों में एक दो गाय भैंसी मिलेगी।
कुछ परसेंट लोग गांव में रखना पसंद करते, कहते खर्चा ज्यादा, सब कुछ इतना महंगा होगा। महंगा तो है जी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, देखो हर चीज हर साल बढ़ती है, तो किसान भाई भी क्या करेगा, उसको सही रेट, सही जो भी हमारे कस्टमर हैं जो लेना चाहते हैं वो सीधे किसान से जुड़ो। जी जी। सीधे किसान से जुड़ गए तो किसान को कितना लाभ होगा? जी बिल्कुल। किसान के लाभ के साथ साथ उसको मतलब ये भी होगा कि मेरे को बढ़िया और अच्छी चीज मिल रही है। जी जी जी। एकदम से शुद्ध और प्योर। मैं तो हमेशा ये कहती छाती ठोक के ले और छाती ठोक के दे, कोई बनावटी बातें नहीं बनाती, ना कभी झूठ बोलती हूँ मैं जी। कभी भी कहीं भी मतलब आज तक हमने 7 साल हो गए अपने जीवन में कभी पानी का छिट्टा भी लगाया है, ईश्वर की कृपा से, गौ माता की कृपा से हमारा दिया हुआ इन्हीं का जीवन है जी। बस यही चाहती हूँ, जय 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 जवान जय किसान। आपको मैं मिल्किंग भी करके दिखाऊंगी। अब देखो ये अपना मिल्किंग का चल रहा हुआ काम है जी। ये देखो सारे काफ है दूध वालियों के, ये 6 महीने से ज्यादा के काफ है जी। तो खाने के लिए क्या क्या देती है ताई जी? खाने के लिए थी अपना फीड तैयार करवाते, बेटा मेरा वेटनरी डॉक्टर है जी। उसने अपना मेनू तैयार किया हुआ है, वहाँ हम कंपनी से अपना फीड खुद बनवाते हैं और वो फीड हम इनको देते हैं। तेल भी देते हैं, घी भी देते हैं, भूसा भी देते हैं और हरा चारा भी देते हैं। सब मतलब अपना जहाँ तक हो सके, मैं प्योरिटी 100% ऑर्गेनिक नहीं बोलूंगी जहाँ तक, लेकिन जो बाजार में या जो डेयरी व्यवसाय है जिसका और कोई दूध घी है, मैं ये मतलब ये तो मैं इतना कहती हूँ कि देखो जहाँ तक हो सके हमारा बढ़िया से बढ़िया देने का अपने कस्टमर को, जैसी चीज यहाँ से निकल के गई यूं कि यूं अगले कस्टमर तक पहुंचे और पिए खाए और पता। देखो दूध घी और कहीं सस्ता मिल जाएगा? आप यूं देखिए भाई साहब, 70 रुपए का दूध तो गांव में है पर लीटर, तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते या बहादुरगढ़ और कहीं शहरों में वहां तक कैसे पहुंच जाएगा 70 के भाव में प्योर दूध? अगर मैं प्योर चीज दूंगी तो वो तो जी प्योरिटी के ऊपर अगर हम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वो तो जी रेट के ऊपर ही है ना जी। जी 60-70 रुपए में लोग जो दे रहे हैं वो 10 से ज्यादा मिलावटी जहर खिला रहे हैं अपने, और हमारे जैसे जो सादे बोले मतलब कस्टमर हैं जो और भाई हैं शहरों में रहने वाले, उनको तो नॉलेज नहीं है। धीरे धीरे करके पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है और हम अच्छा खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, गौ माता का पंचगव्य घर में इस्तेमाल करें तो बीमारी आएगी नहीं। मैं खुद इतनी बीमार हो गई थी, मेरा यूट्रस का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, थायराइड था, सर्वाइकल था, चश्मा इतना बड़ा नंबर लग गया था, मैंने गौमूत्र पी करके अपना सुबह गौमूत्र पीती हूँ और गौ माता की सेवा करनी ही नहीं मेरा ना, थायराइड सर्वाइकल नजला और ये मेरा आंखों का चश्मा, यूं नहीं पता मेरे साथ गौ माता की ऐसी दया हुई, ऐसा करिश्मा हुआ था, 2 महीने के अंदर ही मेरा चश्मा उतर गया था जी। तो देखो वो तो है जी, जैसा हम इनके साथ करते हैं ये भी हमारे साथ, उनसे ज्यादा लगाव ये भी रखती है। एक बार आप इनको देखना, मैं खुली छोड़ूंगी, खुली छोड़ने के बाद आवाज दूंगी, आवाज देते ही वही गाय मेरे पास आएगी गौ माता जी, जिसको भी बोलूंगी वही आएगी। बच्चे भी इसी तरह हैं, जिस बच्चे का नाम लेंगे ना वही बच्चे, सब गौ माता के नाम है अपने जी जी, सभी के नाम रखे हुए हैं, सभी बच्चों के नाम है। मिल्किंग और करती हूँ एक बार मैं। ठीक। कितना लीटर का है ताई जी? ये 400 लीटर का है जी। 400 लीटर चिलर मशीन अपनी जी जी। हाँ जी।